हेलो एवरीवन, वेलकम दिस चैनल, लाइक एंड शेयर ऑफ दिस वीडियो, प्रेस द बेल आइकन। क्लास 7, लेसन नेम आवर हॉर्नबेल, पार्ट अ, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आप अपनी बुक के ऊपर देखिए, पार्ट अ का आंसर लिखेंगे हम, बी को टिक करेंगे, अर्थ स्टिक्स, और सेकंड का जो है उसका आंसर भी बी आएगा, इट इज अ बेबी, आर ओल्ड वॉज नॉट ब्यूटिफुल। इसके थर्ड का देखिए, राइट ट्रिक का जो है आंसर, इसका भी बी है। तो देखिए, ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों के बी के ऊपर आप टिक करेंगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट बी, रीड द सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट के देखिए, हम यहाँ पर आंसर है ए पार्ट का देखते हैं, हु ग्रो बिगर, हारोल्ड ग्रो बिगर, आंसर है इसका। सेकंड देखते हैं, हारोल्ड्स फादर पुट द रूम विद अ स्टिक एंड डग। थर्ड, द पर्पस ऑफ द रूम वॉज टू प्रोटेक्ट द एग्स। ये हमारे बी के फर्स्ट के ए बी सी का आंसर है। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेकंड का, इसके भी हमारे पास ए बी सी थ्री पार्ट है, थ्री के आंसर यहाँ पर कंप्लीट किए हुए हैं, आप यहाँ से देख के कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारे बी का फर्स्ट सेकंड पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट करते हैं आगे, बी पार्ट का थर्ड, ग्रैंडफादर एंड आई टुक ओवर द ड्यूटीज ऑफ हिज पेरेंट्स। तो देखिए, आप यहाँ से फर्स्ट का आंसर, यहाँ से बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ अ कैट ऑन हार्लोर, यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर है इसका। तो नेक्स्ट देखते हैं बी, तो बी का है द ड्यूटीज टू लुक आफ्टर हार्लोर, टू प्रोवाइड हेम द फूड एंड टू प्ले विद हेम। ये यहाँ तक हमारे ए बी कंप्लीट है। नेक्स्ट देखते हैं सी, सी का आंसर है यस, हार्लोर्ड एक्सेप्टेड देम एज हिज पेरेंट्स, यस हार्लोर्ड एक्सेप्टेड देम एज हिज पेरेंट्स। यहाँ तक हमारा बी पार्ट कंप्लीट है। इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड के ए बी सी तीनों के जो पार्ट है वो हमारे कंप्लीट है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, ये इसका फोर्थ पार्ट है, ही वॉज विलिंग even to share his food with us. Next, again इसके भी A, B, C part है, तो आप यहाँ से देख के कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर B part है, ये mistake से A है, यहाँ पर B है ये part. Next है fifth part, इसके भी again three part है, A, B, C. तो देखिए, यहाँ पर ये तीनों हमने कंप्लीट किए हैं, आप यहाँ से देख के राइट करेंगे। ये बी पार्ट के क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका आगे हम, पार्ट सी, हमारा पार्ट ए और बी कंप्लीट हो चुका है, आगे करके हम पार्ट सी। सी के देखिए, डिस्क्राइब द नेस्ट इन विच हर्ल वॉज बॉर्न। तो ये आप यहाँ से करेंगे, हर्ल वॉज बॉर्न इन ग्रेट होल हाई इन दैट ट्री ट्रंक, इट वॉज अ हॉलो इन द ट्री विच वॉज फुली डैमेज बाय वेदर, हिज मदर एंड ही वॉज क्लोज विद इन होल बाय अ वॉल ऑफ अर्थ स्टिक्स एंड डंग, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर बर्थ ऑफ दैम टू लाइफ देयर। नेक्स्ट देखते, ये हमारा फर्स्ट का आंसर, ये सेकेंड का है, वाई डिड हॉलर्ड फेल आउट ऑफ हिज नेस्ट। तो आप यहाँ से करेंगे, हॉलर्ड फेल आउट ऑफ हिज नेस्ट एज अ नोजी फाइट स्टार्टेड बिटवीन द कैट एंड हिज पेरेंट्स। यहाँ पर सी का फर्स्ट सेकेंड कंप्लीट है। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका आगे हम, पार्ट सी का देखते हैं, पार्ट सी का थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ आंसर है। तो देखिए, यहाँ से हम करेंगे, यहाँ फर्स्ट का सी के फर्स्ट सेकंड हम पीछे कर चुके हैं, ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ है हमारे।
यहाँ से देखकर आप राइट करेंगे आंसर इस लेसन का। आगे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। डी थिंक एंड आंसर, यहाँ पर हम करेंगे इसके आंसर थिंक एंड आंसर। डू यू थिंक हार्लर फिजिकल अपेयरेंस वॉज इम्पॉर्टेंट टू द नरेटर एंड हिज फैमिली, वॉट वॉज देयर रिएक्शन टू द हॉर्न बेल। तो आप यहाँ से आंसर देख कर राइट करेंगे। सेकेंड का यहाँ से आप आंसर यहाँ से लिखेंगे मैनी ईयर्स लेटर, तो यहाँ तक कैच तक आएगा। इसके साथ हमारा डी पार्ट जो है कंप्लीट है। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं एक्सरसाइज का। ये डी का थर्ड पार्ट है, ये भी इसके साथ कंप्लीट है। नेक्स्ट है एफ पार्ट मैनी वर्ड्स जो है। देखिए यहाँ पर साउंड मूड देखने हैं हमने, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर किए हुए, तो आप यहाँ पर मीनिंग लिखेंगे हैप्पीनेस डिलाइट। ये देखिए मैंने फाइव है इसके, फाइव के फाइव कंप्लीट किए हुए हैं। आप यहाँ से देखकर अपनी बुक के ऊपर कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी पार्ट मेक सेंटेंस ऑफ योर वन यू अनोइंग दीज। यहाँ से देखिए आप यहाँ करेंगे, ये देखिए इस काम से यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो आप यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट है एच पार्ट, एच के फर्स्ट का देखिए सेंटेंस करेक्ट करना है हमने प्लेस पर, तो यहाँ से देखिए ये फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा, ये सेकंड का है और ये थर्ड का आंसर। ये एच पार्ट का आंसर है हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड का। ये एच के फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ आगे उसका फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट भी किया हुआ है, यहाँ से देखकर आप इसे कंप्लीट करेंगे। ये के पार्ट हमारा देखिए यहाँ पर आंसर किए हुए, आप यहाँ से देखकर इसे कंप्लीट करेंगे अपनी बुक के ऊपर। ब्रैकेट्स उन्होंने दिए तो करेक्ट वर्ड हमने यूज कर देखना है आंसर क्या बनता है। जैसे फर्स्ट का देखिए लार्ज बर्ड्स 40 स्पाइसेस लिव इन अफ्रीका एंड एशिया, यहाँ से देखिए आप यहाँ तक कंप्लीट करेंगे यहाँ से। नेक्स्ट तो इसका एल पार्ट करते हैं। ये एल पार्ट के हमारे देखिए क्वेश्चन आंसर बनाए हुए हैं, तो उसके हमने आंसर किए हैं। ये फर्स्ट का, ये सेकंड का आंसर है। इसके साथ ही हमारा ये लेसन कंप्लीट है। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय स्टूडेंट, टेक केयर।